नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यह स्लोगन जगह जगह दीवारों पर लिखा देखा जा सकता है। शिक्षा को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है और सभी को शिक्षा मिले इसके लिए रोज नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा को पाने के लिए यूपी के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां नौनिहाल शिक्षा पाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक विद्यालय सामने आया है बांदा जनपद में, जहाँ बच्चे नहर पार कर विद्यालय जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए बांदा से हमारी खास रिपोर्ट। नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूली ड्रेस में बैग पीठ पर लादे घुटनों तक पानी में डूबकर निकलते ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी स्विमिंग पूल की तस्वीरें नहीं है, उसका नजारा नहीं है, बल्कि ये बांदा के बबेरू तहसील का गाँव अछाह है। जी हाँ साहब, यह अच्छा गांव का प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल है। इन सरकारी स्कूलों में जाने के लिए बच्चों को सड़क मयस्सर नहीं है और मजबूरन बच्चे नहर पार कर जान का जोखिम उठाते हुए स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें सरकार के उस नारे को भी सच साबित करना है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके अलावा जो सड़क है नहर के किनारे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और बरसात में उस सड़क से रिस्क लेकर निकलने से बेहतर बच्चे पानी में घुटनों तक चलकर जाना बेहतर समझते हैं। कहने को तो विकासखंड बुंदेलखंड के बांदा में विकास तो बहुत किया गया है, लेकिन कागजों से इतर यह सिस्टम के कागजी विकास की असल तस्वीरें हैं। मासूम बच्चे बताते हैं कि बरसात होते ही उन्हें इस तरह की मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि कभी कभी वो गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है, शिक्षक भी गिरते हैं, उन्हें भी चोट लगती है, लेकिन कोई भी सड़क ना होने से वो सभी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए इस तरह का खतरा मोल लेने को मजबूर हैं। कैसे जाती हो स्कूल, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती, गिर जाते हैं और नहर बढ़ जाता है तो इतना सा पानी हो जाता, फिर आना पड़ता है स्कूल। तो नहर से क्यों आती हो? तो कीचड़ है ना, वहाँ से घूम के आते हैं तो गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो फिर आने पड़ता है स्कूल ले। कितने दिन से बड़ा दिक्कत बनी है यहाँ पे? बहुत दिन से नहर से हल्के आना पड़ता है, पानी बहुत गहरा है नहर, दो तीन लोग बूढ़ जाते हैं उसमें तो रोज निकालना पड़ता है उन्हें, रास्ता भी खराब है। क्यों आते हो नहर से, क्यों आते हो? यहाँ की रास्ता के कारण आते हैं, बहुत गंदगी है यहाँ पर पड़ी है, दो जगह तालाब है और नहर के बीच से रास्ता निकला है तो उसमें गंदगी बहुत लगती है तो निकलने में दिक्कत पड़ती, गाड़ी वाड़ी नहीं निकल पाती हैं। जैसे हमारे सर को आना होता है तो गाड़ी वाड़ी नहीं निकल पाती तो पैदल उन्हें को भी चल के आना पड़ता है, इतनी दूर 1 किलोमीटर से आना पड़ता है। कितने दिन से समस्या बनी बेटा? बहुत दिन से बनी है, नहीं बन रहा है यहाँ, कुछ भी विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या होना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए? जी बनना चाहिए यहाँ पर रास्ता। स्कूल आने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी, पैर घुस जाते हैं, गिर जाते हैं तो यहाँ गंदगी आ जाती है, स्कूलों में कक्षे में बैठने में बहुत दिक्कत पड़ती है। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल दो विद्यालय हैं और दोनों गाँव से 1 किलोमीटर दूर नहर के उस पार हैं और सड़क न होने की वजह से पिछले 8 सालों से न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षकों को भी इन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। शिक्षक भी मजबूर हैं इन खतरों से खेलने के लिए और ग्रामीण भी अपने बच्चों को रोज इस मुसीबत में डालते हुए देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 साल से रोड नहीं बना, नहर के किनारे की रोड कीचड़ और फिसलन के चलते इस लायक नहीं है कि उस तरफ से होकर स्कूल जाया जा सके, यही वजह है कि बच्चे पानी में निकलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हालांकि संभावित खतरे हैं लेकिन यहां सुनने वाला कोई नहीं है। रास्ता इतना बुरा है कि बच्चे रोज अति मतलब रोज किसी न किसी बच्चे कहीं कभी तालाब में गिर जाएंगे, कभी नहर में गिर जाएंगे। जब बरसात होती तो यहां ये रास्ता इतना बुरा हाल है कि मास्टर लोगों को गाड़ियाँ कहीं खड़ी करनी पड़ती है,
अपना पैदल कहीं से आते जाते हैं, यानी कि मुसीबत का घर है बरसात के महीने में। हमसे जल्दी पहुंच जाओगे? कितने दिनों से दिक्कत हो रही है इसे? ये तो हो गए कम से कम 6-7 सालों से। यह विद्यालय अछाह ग्राम सभा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अछाह के नाम से जाना जाता है, जिसकी बबेरू से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं इस विद्यालय में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैंने जब से देखा है कि बरसात के दिनों में सदैव इस रास्ते की यही स्थिति रही है। जब जानवर निकल जाते हैं, ग्रामीण ट्रैक्टर वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद इतना रास्ता ख़राब हो जाता है कि बच्चे क्या बूढ़े जवान सभी गिरते पड़ते किसी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।